जिला मुख्यालय धर्मशाला स्थित कोविड अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों ने उपलब्ध करवाए जा रहे खाने पर सवाल उठाए हैं। मरीजों ने बकायदा एक वीडियो बनाया है जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। मरीजों ने उन्हें सही क्वालिटी का खाना उपलब्ध ना करवाने, ठंडी चाय और ठंडा खाना देने के आरोप तक लगाए हैं। यही नहीं, मरीजों ने उन्हें इम्यूनिटी बढ़ाने की चीजें ना देने और काढ़ा भी ना देने की बात कही। मरीजों ने वीडियो में कहा है कि हम सरकार के समक्ष ये बात लाना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह का खाना दिया जा रहा है। वायरल वीडियो में सीएमओ जिला कांगड़ा ने बकायदा इसके ऊपर एक पत्रकार वार्ता की। मीडिया से रूबरू होते हुए सीएमओ ने बताया कि धर्मशाला कोविड अस्पताल के मरीजों का जो वीडियो वायरल हुआ है, ये वीडियो एक सप्ताह पुराना है। ये मामला उनके ध्यान में आया था, जिस पर तत्काल खाना उपलब्ध करवाने वाले ठेकेदार को नोटिस जारी करके सुधार के निर्देश दिए गए थे। सीएमओ ने कहा कि जो भी कोरोना संक्रमित मरीज को खाना उपलब्ध किया जा रहा है, उस खाने को हाईकोर्ट के निर्देशों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा मॉनिटर भी किया जाता है। मरीजों को जो खाना जाता है, वही खाना ड्यूटी पर तैनात स्टाफ को भी चेक करवाया जाता है, उसके उपरांत ही मरीजों को उपलब्ध करवाया जाता है। खाने की क्वालिटी को बाकायदा चेक किया जाता है और यदि खाना खराब हो तो उस दिन संबंधित ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाती है। उन्होंने कहा कि मरीजों द्वारा ठंडी चाय खाना के आरोप वीडियो में लगाए गए हैं। यही नहीं, मरीजों ने काढ़ा ना मिलने की बात भी कही थी। काढ़े की शिकायत पर सीएमओ ने कहा कि शुरू में काढ़े की सप्लाई आई थी जो खत्म हो चुकी है। आयुर्वेदिक विभाग से भी इस बारे में संपर्क किया गया, लेकिन शिमला में आयुर्वेदिक विभाग के पास काढ़ा उपलब्ध नहीं है। सीएमओ ने बताया कि बैजनाथ और ठाट में कोविड केयर सेंटर में खाने की व्यवस्था बेहतर है और धर्मशाला में हो सकता है कुछ कमी हो, लेकिन इसमें भी सुधार लाया जाएगा। कल शाम तक जिला में 1480 कंफर्म केसेस हैं, जिसमें से 890 जो है वो स्वस्थ होकर अपने घरों में जा चुके हैं और 576 एक्टिव केसेस हैं और अनफॉर्चुनेटली 14 मौतें जिला में रिपोर्ट हुई। विभाग का ये कहना है, ये वीडियो जो सोशल मीडिया में मेरे को भी आज शेयर किया गया, ये इंसिडेंस पुराना है, पिछले बीवार का है। जैसे ही इसके बारे में रिपोर्ट विभाग के पास आई, विभाग ने इसके बारे में तुरंत कार्रवाई करते हुए सिस्टम को दृढ़ किया और अब जो मेरी रिपोर्टिंग है उसके हिसाब से ये सारी व्यवस्था को ठीक कर लिया। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली 14 डेथ्स हुई हैं, इसमें मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सरप्राइजिंगली जो परिवार वाले थे उन्होंने उस बॉडी को क्लेम करने से इनकार कर दिया, जिसके उसके अंतिम संस्कार की व्यवस्था प्रशासन और विभाग की तरफ से, शिकायतों से या प्रशासन से FIR करने की ऐसी कोई बात नहीं थी। जैसे आज ही अब आप व्यवस्था को समझने की कोशिश करें, पिछले काल मेरे पास 43 पेशेंट्स थे जो नेगेटिव आए और जिनको डिस्चार्ज किया। सरकार द्वारा हमारे को इस व्यवस्था के लिए उनको ड्रॉप बैक करने के लिए 3 एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की हुई है इस 102, उसमें बारी बारी से उन रोगियों को घर में छोड़ा जा सकता है। अगर देरी होती है उस प्रोसेस में, जितने नंबर ऑफ केसेज है, वी ट्राई आवर बेस्ट कि उसको जल्दी से जल्दी घर पहुँचाए। ये जो कोविड रिलेटेड पेशेंट्स हैं, इनको हर एक एम्बुलेंस में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसके लिए नेशनल एम्बुलेंस सर्विस से हमें 3108 की गाड़ियां डेडिकेटेड और 302 की गाड़ियां, सिर्फ 6 गाड़ियां मेरे पास उपलब्ध हैं। अगर दूसरी जनरल एम्बुलेंस खड़ी होगी उस बात से मैं इनकार नहीं, पर उन मरीजों को, कोविड पेशेंट्स को जनरल एम्बुलेंसेज में ट्रांसपोर्ट नहीं किया जाने के निर्देश से, जो पेशेंट पॉजिटिव है उसमें क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। व्यवस्था जो 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 ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, जब तक हम ये नंबर्स ऐसी देरी हमारे सिस्टम में संभव है।